ये लाल भक्त मोहतरम चेयरमैन साहब की सदारत में इशारा बनाकर उन्होंने वक्ती तौर पर मुझे ये सीट के ऊपर बैठाया, लेकिन आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ तशरीफ लाए। ये किसाना मैं दरख्वास्त करता हूँ शौकत भट साहब से तलाब के पुराने पास के लिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ये जो वाकया हुआ था ये 2014 की बात है। ये जो पेशावर का जो सानिया था ये बहुत तकलीफ दे था, तो इस सिलसिले में मैं ये मोहतरम मलिक दानियल वान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस हवाले से कोई बताए क्या कैफियत थी, क्या उस में क्या हम तक हमें झंझोड़ के रख दिया है इसके मुतालिक मलिक दानियल साहब। सबसे पहले तो मैं महमूद सईद को देख के खुशी हुई कि आज मैं दोबारा मौजूद है, क्योंकि आप सबको पता ही है कि पिछले दिनों में थोड़ी सी एक ट्रेजिडी बनी महमूद भाई के साथ, एक अचानक ही एक एक्सीडेंट है। ज़ाहिर अल्लाह की तरफ से जो आजमाइश आया जो बता के तो एकदम आती नहीं आती, तो एकदम से ही है। तो खुशी हमें इस चीज़ की है कि जिस तरह पहले महफिल सजती थी उस महफिल का हिस्सा महमूद भाई आज दोबारा हमें, तो हमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए इस चीज़ के लिए महमूद भाई को, अल्लाह पाक ने सेहत और नई जिंदगी। दूसरी बात, आज वाकई में जो ये दिन बनाया जा रहा है शोदा का बच्चों का APS के स्कूल में जो हमारे यहाँ सानिया हुआ, इसकी पुरजोर मजम्मत ही की जा सकती है। इसके ऊपर कोई सियासी तकरीर या जज्बाती तकरीर तो की नहीं जा सकती, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ऐसे एक्ट का ना तो वो मजहब होता है ना कोई उनका किसी के साथ लेना देना होता है। सिर्फ एक गंदगी का एक वो हिस्सा है कि जो इंसान को सिर्फ तकलीफ पहुँचा सकता है, आप में से आपके बहन भाइयों को बच्चों को रिश्तेदारों को एक बांटने का हिस्सा बन सकते हैं वो लोग। तो हमें तो यही कहना चाहेंगे कि ऐसे एक्शंस के लिए भी हमें बर वक्त तैयार रहना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट्स को भी तैयार रहना चाहिए। और जो जब ये सानिया हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान के यहाँ उस सिक्योरिटी सिस्टम्स में बहुत ज़्यादा इश्यूज भी थे। आई थिंक पाकिस्तान के अंदर अपनी एक जंग चल रही थी, बॉर्डर क्लोज नहीं थे, रॉ जैसी एजेंसीज इंडिया के जो सफाक चेहरे हैं वो भी पाकिस्तान के अंदर ऐसे हिस्से बना रहे थे। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि ऐसे वाकयात कभी नहीं होंगे, और हम ये भी चाहते हैं कि फूलों के साथ किसी के साथ ऐसा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये मुल्क के वो फूल थे जो शहीद किए गए, और इनसे अपनी तकलीफ निकालनी मैं समझता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा घटिया काबिल मुज़म्मत है। बस यही कहेंगे और हम इसकी दुआ कर सकते हैं, और उनके वालदैन के जो उनके बच्चे हैं उनके लिए के साथ उनका हिस्सा बन सकते हैं, उनके मरम बन सकते हैं दिल के। वो तो इसके अल्फाज से जितने मर्जी हम अल्फाज अदा करें, जिनका खून जिनका जिगर जिनका हिस्सा चला जाए वो ही बेहतर समझ सकते हैं तकलीफ के। हम तो इस तकलीफ में सिर्फ बैठ के बयान कर सकते हैं, उनके लिए तो रोज़ क़यामत होगी जिनके घर में वाकई ये रोनुमा हो। बेशक
हम ये कहेंगे कि हम दुआ करें तो सिर्फ सब पढ़ सकते हैं, कलाम भेज सकते हैं और अल्लाह पाक ने इनको संभाल लिया। ये भी हमारे मुल्क की शोभा है, खून ज़मीन के लिए खून देना ज़रूरी होता है, तो हमारी रियासत को कायम करने के लिए इनका भी खून जाएगा, नहीं जाएगा अलहमदिल्ला। तो ये भी उस मुल्क के अंदर, उस पाकिस्तान के अंदर इनका भी खून हमेशा कायम रहे और एक आवाज़ बन के जीता रहे इंशाल्लाह।